वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम MCM का लेसन नंबर 5 करेंगे, जो कि हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूटी है मॉडल्स की, कम्युनिकेशन मॉडल्स की। और इसमें हम थोड़ा सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे कि उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं ग्राफ्स के ज़रिए चीज़ें पढ़ने के। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। उसके अलावा जो है वो ये लेसन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आगे के लेसन्स आई होप ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही रहेंगे। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ प्लीज़, अगर जो है वो वीडियोज़ आने में थोड़ा डिले होता है तो आई एम रियली सॉरी। आई नो कि आप लोगों के पेपर सर पर हैं, बट मतलब कोई फैमिली इशूज़, कोई पर्सनल इशूज़ भी होते हैं बंदे के, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर रेगुलरली। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। शैनन वीवर मॉडल के मतलब हम बात कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो है वो हमने आपको बताया था कि शैनन वीवर मॉडल जो था, ये बेसिकली कम्युनिकेशन की फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता था। ये टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक्सीडेंटली कम्युनिकेशन मॉडल बना दिया था। ठीक है जी, इसलिए काफ़ी सारे उसमें ड्रॉबैक्स देखे गए थे। एक तो मेन फीडबैक का था, दूसरा जो है वो जो फील किया गया था उसमें ड्रॉबैक वो महसूस किया था गया था इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रेटर नहीं था उसमें, सॉरी। तो ये जो है वो ये मेजर कंसर्न्स थे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इनकोडर डिकोडर, बेसिकली जो इंटरप्रेटर होता है या इनकोडर डिकोडिंग ऑफ मैसेज, उस चीज़ पर ज़्यादा जो है ना वो ध्यान नहीं दिया था और फीडबैक पर भी ध्यान नहीं दिया था। तो ये इसमें काफ़ी सारी कमियां नज़र आई हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो हम एक और मॉडल पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझा जाता है। ड्रॉबैक्स उसके भी हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू शैनन वीवर मॉडल उसको भी अप्रोप्रिएट समझा जाता है। वो है स्क्रैम एंड ऑस्कॉट मैसेज, सॉरी ऑस्कॉट कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, वो कहते हैं कि जी मॉडल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल सबसे पहले तो ये कि शुड गिव जनरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्सपेक्टिव? यू मीन के आपको जो है वो चीज़ों को जनरल आपको एक व्यू दे दिया जाता है चीज़ों का। मतलब ये कि मॉडल के ज़रिए आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इन डिटेल आपको नहीं देखना पड़ता, आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव से, एक जनरल व्यू से आपके बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने शैनन वीवर का मॉडल देखा था तो हमें पता लग गया था कि जी मैसेज आया, रिसीवर ने भेजा, सेंडर को मिला। मतलब ये जो जनरल नॉलेज थी, जनरल पर्सपेक्टिव था, वो हमें मॉडल के थ्रू समझ आ गया था। ठीक है, शुड क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, अगर आपको ये मॉडल ना दिया जाता, आपको सिर्फ रिटन में एक लंबा जोड़ा पैराग्राफ दिया जाता, तो वो पढ़ना और समझना आपके लिए काफ़ी हद तक बोरिंग हो सकता था। तो क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको समझने की, उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने की, वो आपकी काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि ईजी हो गई और वो आपको जो है वो समझ आ गया कि वो मॉडल क्या था और वो किस तरह वर्क करता था। Should lead us to new discoveries. ठीक है, मॉडल बेसिकली ये होता है कि एक लंबी सी थ्योरी का आपके सामने एक छोटा सा जनरल सा पर्सपेक्टिव पड़ा होता है। अब जब आप उस जनरल पर्सपेक्टिव पे गौर करेंगे बजाय उस पैराग्राफ को बार 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 पढ़ने के, आप बस उसे एक इमेज पे गौर करेंगे, उसको समझेंगे, तो क्या होगा कि आपको आइडियाज़ को ग्रैस्प करने में और न्यू आइडियाज़ इन्वेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है जी, लिमिटेशंस की तरफ अगर हम आएँ तो ये है कि कैन लीड टू ओवर सिंप्लिकेशंस। ठीक है, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो असल में मुश्किल होती हैं, हम मॉडल देखे कहते हैं अच्छा ऐसे 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 हुआ और ये बस हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसको ऊपर से ज़ाहरी हम उसको समझ लेते हैं और चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, ओवर ईजी लेना उनको स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम गौर नहीं करते, हम कहते हैं ऐ दसान हुआ हमने। तो ये चीज़ जो है ना, ये एटीट्यूड आपको क्या करते हैं, मॉडल्स डिवेलप करते हैं जो कि इसकी लिमिटेशंस में आता है।
कैन लीड टू अ कन्फ्यूजन समटाइम्स, ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन में डालते हैं। आप कैसे डालते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि बाज़ औक़ात जो है वो ये होता है कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि चीज़ों को आसान करने के लिए बनते हैं, उनकी कोई हकीकत ऐसा नहीं होती, ठीक है, उनकी हकीकत नहीं होती। अब जाहिर है हमने जो मॉडल पढ़ा उसमें सेंडर एक डब्बे में तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है, और रिसीवर एक डब्बे में नहीं बैठा हुआ। हमने क्या किया, चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके उन्हें समझा है, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो समझते हैं शायद चीज़ें इसी शक्ल में मौजूद हैं। एक जो एग्जांपल इन्होंने आपको दी है वो ये दी है कि जो हम दुनिया के कलर्स देखते हैं मैप में, वो कलर्स हमने खुद से असाइन कर दिए हैं कि ये कलर पाकिस्तान का है, ये कलर इस मुल्क का है, ये कलर इस मुल्क का है। अब ऐसा नहीं है कि अगर चाइना के ऊपर हम रेड कलर कर रहे हैं तो चाइना में खून बहता है इसलिए चाइना का कलर रेड है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है इसकी। तो ये चीज़ें कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में मुब्तला कर सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों को गौर से देखना है। प्रीमैच्योर क्लोजर ये है कि जंपिंग टू कंक्लूजन, जब आपकी चीज़ें ओवर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएंगी, आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएंगे, अच्छा जी ये तो ऐसे 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 हो गया। मतलब ये कि अगर आप सिर्फ मॉडल पढ़ते, आप जो है वो थ्योरी ना पढ़ते, तो आप शायद इस कंक्लूजन पे जंप करते कि ये परफेक्ट कम्युनिकेशन का मॉडल है, जो कि एक गलत कंक्लूजन होती। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, जो विल्बर स्क्रैम थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑल्टर किया है द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ शैनन एंड वीवर, ठीक है, इन्होंने इसको चेंज किया है, इसको टू वेज बनाया है बाय एडिंग फीडबैक इंटरप्रेटर, ठीक है, ये चीज़ें ऐड करके इन्होंने इसको मॉडल को बेहतर बनाया है। द मॉडल प्रोवाइडेड द एडिशनल नोशन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छा इमेज ऐड नहीं हो सकी है, सॉरी फॉर दैट, आप लोग अपने हैंड आउट से उसकी इमेज देख सकते हैं। द मॉडल प्रोवाइडेड द एडिशनल नोशन ऑफ अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और द साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस रेफर्स टू द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन और एटीट्यूड दैट इंटरैक्टिंग पीपल मेंटेन टूवर्ड ईच अदर। अच्छा जी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो वो ये चीज़ होती है, बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट को फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कह दिया गया है, अगर मैं आसान वर्ड्स में समझाऊँ, मतलब ये कि वो कहते हैं कि दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर मैं एक बच्चे के साथ कोई टेक्निकल गुफ्तगू करूँगी तो वो अजीब अजीब शक्लें ही बनाएगा मेरे सामने, ठीक है। तो ये बात है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सेम कम्युनिकेशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके अलावा इन्होंने फीडबैक ऐड किया है, ठीक है, कम्युनिकेशन को टू वेज बनाने के लिए, सही हो गया। मतलब ये कि जब हमने किसी के सामने अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है, अगर हमने कोई लेटर लिखा है तो हमें उसका कुछ अरसे बाद फीडबैक मिल रहा है, हमें बॉडी लैंग्वेज के थ्रू फीडबैक मिल रहा है। तो ये हमने फीडबैक कम्युनिकेशन के मॉडल में, हमने नहीं सॉरी, स्क्रैम एंड स्क्वाड ने ऐड किया था, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप बात, वही एग्जांपल मैं दोबारा आपको दूंगी कि हम एक वर्ड है जिसका हम यूज़, मतलब लेट सपोज कि हम गुस्से में भी कहते हैं अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब वो हम गुस्से में कह रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा, नॉर्मल अच्छा होता है, एक गुस्से वाला हूँ हम गुस्से में कह रहे हैं ठीक है, एक हम सोच रहे होते हैं वो वाला हूँ होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट है कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इसमें कल्चर काफ़ी मैटर करता है कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ये थे कि ये कम्युनिकेशन जो मॉडल था ये ज़्यादा सोर्सेज का कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं करता था, इसमें बहुत कम कम्युनिकेशन, मतलब एक से दो लोगों से ही कम्युनिकेशन हो पाता था, ये इसका ड्रॉबैक था। अच्छा, उसके अलावा हमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्होंने, एंट्रोपी, रिडंडेंसी और नॉइस एंड चैनल कैपेसिटी, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं हमें जल्दी से देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है,
एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी इन अ सिस्टम. ठीक हो गया जी. अनसर्टिनिटी है कि आपकी जो मैसेज है वो आपकी जो अनसर्टिनिटी उसमें आ जाती है. ठीक है, मतलब जैसे आपने अगर कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड की या टेल की. ठीक है, लेकिन अगर आपने एक मैसेज भेजा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कोई भी अनसर्टिनिटी आने का, मतलब उसमें हो सकता है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही ना, उसमें हो सकता है कि वो डिस्टॉर्शन आ जाए, कोई कोई भी इशू होने के इंतहा से ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, वो अपनी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ना पहुंचे, इस अनसर्टिनिटी का मैयर करना एंट्रोपी होती है. कि मतलब अगर ये मैसेज मैंने यहाँ से भेजा है, लेट सपोज के ये लेटर पहुंचता नहीं है, ये गलत पते पे पहुंच जाता है, मतलब इसकी इंक स्मज हो जाती है, तो ये अनसर्टिनिटीज़ हैं जो कि एक मैसेज को कंप्लीट उस फॉर्म में नहीं पहुंचने देते. ठीक हो गया, कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैसेज अपनी असल हालत में ना पहुंचे. जो रिडंडेंसी है वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है. रिडंडेंसी इज़ द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट यूनिक इन द सिस्टम. इसका ये मतलब हुआ कि जब मशीन कोई चीज़ रिपीटेडली बोलती है तो उसका ऐसा प्रोसेसर है, उसका ऐसा सिस्टम है कि वो बार बार वही चीज़ काउंटलेस टाइम रिपीट कर सकती है. लेकिन आपको जो है वो, अगर हम देखें कि एक ह्यूमन बींग अगर वो किसी चीज़ को रिपीट करेगा, एक दफ़ा ठीक करेगा, दूसरी दफ़ा ज़रा सा चेंज करेगा, तीसरी दफ़ा और चेंज करेगा, तो ये आपकी जो है ना वो रिडंडेंसी है, जिसमें इंफॉर्मेशन अपनी असल हालत में यूनिक नहीं रहती. ठीक है, वो अनसर्टिनिटी के चांसेस हैं कि कितने चांसेस हैं कि मैसेज सही ना पहुंचे, और ये है उतनी डिग्री जितनी हमने मैसेज की खो दी, मतलब असल मीनिंग हमने मैसेज का जितना खो दिया वो रिडंडेंसी है. नॉइस को हम जो है वो शैनन वीवर में देख चुके थे, एन एडिशनल सिग्नल दैट इंटरफेयर विद द रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉइस. ठीक है, नॉइस किसी भी किस्म की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, और भी आपके पास हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस उसको काफ़ी कर लिया था, सिमेंटिक भी हो सकती है, तो अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रही. ठीक है, चैनल कैपेसिटी तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेजर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ चैनल कैन कैरी. मतलब ये अगर आप लेटर कर भेज रहे हैं तो एक सफ़े की क्या कैपेसिटी है, अगर आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, और मतलब इस टाइप की एग्जांपल्स, तो ये आपकी चैनल कैपेसिटी में आ जाती हैं. हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. हमने देखा कि शैनन वीवर के मॉडल में ड्रॉबैक्स थे फीडबैक का और इंटरप्रेटर का. उसके अलावा जो है वो हमने देखा कि हम मॉडल के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं. उसके अलावा हमने पढ़ा है स्क्रैम्स ऑस्कॉड इंटरैक्टिव मॉडल, ये 1954 का, ये बात आपने याद रखनी है. उसके क्या पॉइंट्स हैं वो देखे हैं हमने, और एंड पे हमने देखा है नॉइस, रिडंडेंसी, एंट्रोपी और उसके अलावा चैनल कैपेसिटी. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.